हेलो वी लाइव यस यू एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल कैसे हैं भाई सब लोग गुड इवनिंग ऑल गुड इवनिंग मैम क्वेश्चन मार्क हो आप गुड इवनिंग ऑल गुड इवनिंग गुड इवनिंग कौन 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 आ गया है वैष्णवी अंकिता अरुण अरमान uh, क्या बात है भाई। गुड इवनिंग ऑल गुड इवनिंग गुड इवनिंग दीपाली चक्रवर्ती डेविड अच्छा मनीष अच्छा वो किसी और से ही बात कर रहे हैं हम जय श्री स्वैग टोनी रुपंजल ये वो अच्छा क्या बात है भाई। वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हुए सब लोग hmm? कैसे हैं भाई सब लोग बढ़िया सो नीट सॉरी सी बी एस ई टर्म टू की डेट्स भी आ गई एग्जाम डेट्स तो मतलब कि पंद्रह जून तक तो कोई अता पता नहीं है आपके नीट एग्ज़ाम का उसके बाद ही आपके नीट एग्जाम चाहे आप ड्रॉपर हो है ना चाहे आप फ्रेश हो लेकिन uh, आपके एग्ज़ाम आपका जो तो नीट का एग्जाम है वो अब दिख ही रहा है कि वैसे जुलाई में ही गया तो है ना जुलाई में ही गया आपका है ना सही है तो सही थी प्रोडिक्शन तो हमारी सही बैठी है वैसे हेलो हेलो हाय एवरीवन एक हार्ट भी सेंड कर दोगे तो मुझे वो भी दिख जाता है सो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग कैसे भी सब लोग कल मैंने आपको होमवर्क दिया था ना एक क्या होमवर्क दिया था मैंने तुमको एक कि मुझे बताओ फ्लैश कार्ड तुमने बनाए हैं कि नहीं अच्छा वीडियो को अरे यार इतने लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक कौन करेगा मैं <laughs> तो अच्छा ठीक है अच्छा 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 यहाँ पे डेट शीट्स आर आउट देख लिया तुमने इसको हाँ एक मिनट आ कल वाली वीडियो में एक्चुअली मैंने होमवर्क दिया था बच्चों को सो दैट इज व्हाट आई वांट टू सी कि कितने बच्चों ने होमवर्क किया तो हाउ टू रिवाइज बायोलॉजी एंड ये हो तुम लोग और ये हैं हमारे कमेंट्स तो कमेंट्स में 18 कमेंट देखें आप किस बच्चे ने जो हैं आपके किस किसे होमवर्क किया है

ये न्यूज जनहित में जारी है ऐसा क्या आपसे बात करनी है मैम प्लीज हाँ करो ना यार एनिमल किंगडम के फ्लैश कार्ड्स बना गए मैम एंड कई बच्चों ने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी किए एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट वेरी गुड क्या बात है बहुत बढ़िया सो so, प्रेम राठौर ये हमारा बच्चा अच्छा एक और भी है शेख अल्तमाश थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग सेशन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के शेख अल्तमाश के लिए भी तालियां क्या बात है अभी बहुत बढ़िया प्रेम राठौर है ना इसका नाम में जैसे प्रेम है सो यू नो ही इज लाइक दैट ओनली है ना उसके बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं एंड आई फील रियली ओवरवेल्म बाय रीडिंग योर मैसेज थैंक यू सो मच फॉर दैट सो मैम आई एम मेकिंग फ्लैश कार्ड ऑफ एनिमल किंगडम एंड दैट्स रियली ग्रेट ठीक है बहुत बढ़िया एंड यू आर अच्छा ये प्रेम ने लिखा है थैंक यू सो मच प्रेम थैंक यू सो मच मैम आई ऑलरेडी स्टार्टेड हाफ चैप्टर्स ऑफ डन सो अच्छा कि कई जनता so, yeah, uh, में ज्ञान भी बिक रहा होता है यहाँ पे सो यार विद दैट मेरे को काफी 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 अच्छा लगा एंड यू नो बिकॉज यू गाइज हैव डन हैव स्टार्टेड लिसनिंग टू योर टीचर विच इज़ अ वेरी सबसे ट्रेडमार्क होता है जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनको कुछ कर दिखाने का जीवन में एक uh, जुनून होता है वेरी गुड यू नो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट सो मैंने कहा सारे बच्चों को था लेकिन कर, करा कुछ कुछ नहीं सो दैट शोज सो मैं सिंसेरिटी हूँ अगर तुम्हें नहीं किया है बुरा लग रहा है तो यार लगना चाहिए बिल्कुल है ना तो इसको सेशन छोड़ के भाग जाने से तो कुछ नहीं बनेगा यार क्या करना पड़ेगा उसके लिए तुमको करना पड़ेगा थोड़ा सा मेहनत बना रहे हो फ्लैश कार्ड्स बना लो बना रहे हो हाँ अनुष्का ने किया था इंस्टा पे शेयर यस 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 तो बहुत बढ़िया यार वेरी वेरी वेरी, वेरी गुड और फिर So, कौन कौन बच्चा मुझे अभी कहता है कि मैम मैं अपना जो कल काम नहीं कर पाया मैं अब दोबारा करूंगा उसको चलो बताओ जरा बताएं जरा देखिए हाँ क्या कहता है बना लिया जयश्री कहते मैम बना लिया अच्छा चलो ठीक है सो so, बनाओ ना यार तुम है ना बनाओ तुम लोग ही बनाओगे और अच्छे यू नो अभी अभी टाइम है अभी अच्छे से पढ़ाई करना आई नो कि बहुत मुश्किल होता है जब तक यू you नो know, फाइनल डेट नहीं आ जाती है कि भाई पढ़ाई करें कि नहीं करें तो बट अगर तुम अच्छे से अभी करना शुरू कर दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा लास्ट मोमेंट जो ऐसे वो एंग्जाइटी होती है ना वो नहीं होएगी तुम्हारे को ठीक है प्लीज़ बता दो मैम मैम बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो ट्वेल्व एग्जाम के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए हाँ उसके लिए तो वीडियो बनाए हुए हैं बनाऊंगी भी मैं तो डोंट वरी अबाउट दैट तो मैम मैंने क्लास नहीं ज्वाइन किया था कोई बात नहीं आज किया ना तो मैंने कल होमवर्क दिया था कि किसी एक चैप्टर को पकड़ के फ्लैश कार्ड बनाओ जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है ठीक है so, सो चलो यार अभी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं सो दोज हु आर दो नॉट रेगुलरली वॉचिंग मैं आपको बता दूं बेटा क्लास इलेवेंथ के भी हमने ट्वेंटी फोर क्वेश्चन जो हैं मैंने आपको बताए हैं कि मोस्ट प्रोबेबली आपका एक दो दिन पहले लेक्चर हुआ है तो उसमें से उस पोर्शन में से आपको आ सकता है तो 96 मार्क्स बनते हैं मैं कहती तो हूँ 96 नहीं भी होंगे तो कम से कम 70 नंबर नंबरों तो का पेपर जो है उस पर्टिकुलर पूल में से आ ही जाएगा देखो पता है बात क्या होती है मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स में बोली हुई है अगर आपका हंड्रेड सिलेबस है ना तो आपका जो एटी सिलेबस है ना आपको खाली नॉलेज गेन करने के लिए होता है जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो खाली 20% वाला जो पूल होता है ना वहीं से आते हैं तो घुमा घुमा के जो है ना एग्जाम में वहां वहां से ही पूछता है और ये आपको कैसे पता चलता है इसके लिए आपको देखने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर और इसकी पढ़ करनी पड़ेगी एनालिसिस ठीक है अगर आपके पास नहीं टाइम है एनालिसिस करने का दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग दिस सेशंस सो दैट आपको एक आईडिया हो जाए कि, कि किस वाले सेशन में से सॉरी किस वाले टॉपिक में किस चैप्टर में कहां से जो है वो दोबारा दोबारा क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के पूछते हैं ठीक है तो एक क्विज टाइप भी होगा बट जिसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी तो भी क्योंकि वी विल बी लुकिंग कि हम हमारा जो पूल क्या है क्वेश्चन आंसर्स आ कहां से रहे हैं ठीक है चलो स्टार्ट करें फिर ठीक है स्टार्ट सो ह्यूज राउंड ऑफ अ सबको बहुत 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 बढ़िया बहुत बढ़िया सो so, यार फोर चैप्टर्स फ्रॉम क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी एंड उसमें से ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन इन योर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है और एनालिसिस ये कहता है कि इस पर्टिकुलर पूल में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं स्टार्ट करें चलो स्टार्ट करते हो तो यार सबसे पहले अगर चैनल पे आए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लो ठीक है और ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इसको जरूर ज्वाइन कर लो सारे पी वगैरह इसी पे मिलते हैं ठीक है आ, यार टर्म टू का क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है आज ट नाइट तक ये सेल जो है वो ऑन होगी वन थाउजेंड का मिलेगा कर लो ना ये पता तो चल जाएगा कि लिखना क्या है पेपर में तो बहुत बढ़िया है पीसीएम भी सब भी, सब कुछ ही है इसमें ठीक है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ठीक है तो चलो यार शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक असोसिएट विद योर रोल मॉडल्स एंड हीरोज टू रियली अंडरस्टैंड हाउ मच यू कैन अचीव तो ये मेरा आपको सीख रहा है मैंने आपको पहले भी एक सेशन में बताया था सारी बातें बता गई हैं, बट बार रिपीट होती रहती हैं कि अपने रोल मॉडल्स को अच्छे से चुना करो बिकॉज़ तुम जो सोचते हो जिसके बारे में सोचते हो तुम वही बनने लग जाते हो इंस्पिरेशन राइट ओके सो चलो यार, विद जस्ट स्टार्ट स्टडी दीज फोर चैप्टर्स फ्रॉम क्लास ट्वेल्थ एंड

देन उसके बाद आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी हैज बीन अ हिट वेदर वेदर इट इट इज इज ठीक है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए वो भी मैं बताऊंगी आपको एंड उसके बाद में आपका, वे आपका नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इन चार चैप्टर्स में से आपको मिला के ही कम से कम 25 क्वेश्चन जो है वो आ गए हैं लुक एट दैट और बायोटेक्नोलॉजी में आपको बता रही पिछले तीन दो तीन सालों से एक बहुत बड़ा हिट रह रहा है जो कि आपको कम से कम बारह तेरह क्वेश्चन जो है वो देता है कैसे आप देखो आप देखें मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अकेले कंट्रीब्यूट करता है नौ no क्वेश्चंस अकेले कॉन्ट्रीब्यूट करता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस कॉन्ट्रीब्यूट करता है पांच क्वेश्चन इतना ईजी चैप्टर है मुझे बिकॉज मैं इसलिए बोलूं कि, कि हमने बहुत बार पढ़ा दिया है इसको ठीक है और प्रिंसिपल्स के बाद में आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है उसमें सात क्वेश्चन सात और पांच बारह बारह बहुत बड़ा नंबर होता है ट्वेल्थ और जब फोर्टी एट फोर्टी एट मार्क्स का तो यहीं से आ गया सीधा बायोटेक्नोलॉजी से सीधा सीधा, सीधा ठीक है मेन कैच आपका ये टर्म टू में भी आपका ही आ रहा तो इसको इस तरीके से पढ़ो कि नीट के लिए आपको दोबारा इसको ना इसमें ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत ना करनी पड़े राइट और लास्ट में ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन आई आई पर्सनली कंसिडर दिस चैप्टर टू बी वेरी इजी डू यू मुझे बताओ जरा चैट बॉक्स में लिख के तुम इस चैप्टर को इजी कंसिडर करते हो कर? बिकॉज मैं इस चैप्टर को पर्सनली बहुत इजी कंसिडर करती हूँ राइट ऑर्गैनिज्म एंड पॉपुलेशन से चार क्वेश्चन जो है ओ, आपको आए हुए हैं हाँ एग्जैक्टली जो है मैं पहले तीन को तो मैं फिर भी मान लेती हूं कि दे आर लिटिल बिट ऑन टफर साइड आई आई वोट डिस बट द फोर्थ जो आपका चैप्टर है वेरी इजी

तो देखो यार अभी देखते हैं कि लेट्स हैव अ क्विक कि वो छोटा सा पूल कौन सा है जिसमें से कि एग्जामिनर जो है वो इंटरेस्टेड होता है क्वेश्चन देने के लिए आपका चैप्टर नंबर वन से स्टार्ट करते हैं योर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो कि एक प्रॉपरली फटाफट आप, आप पड़ से क्विज की फॉर्म में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी लेकिन अब क्विज की फॉर्म में मैं क्वेश्चन शो करूंगी तुम आंसर लिखना है यहाँ पे फटाफट से तो ये क्वेश्चन जो था आपका अपियर हुआ इफ एडेनिन मेक्स थर्टी परसेंट ऑफ द डीएनए

थामिन ठीक है ना बिकॉज ए ऑलवेज मेक स्पेयर विद विदिन ठीक है ना और गुआनिन और साइटोसिन उतना तो अगर थर्टी और थर्टी अब मैं फिर एक्सप्लेन करने लगी टीचर हूं ना क्या करूं यार करूँ यारिवेज फोर्टी बचा वो इसका गुआनिन और साइटोसिन ले लेते हैं राइट सो दैट इज लाइक दैट है ना आई आई विल स्टॉप माई सेल्फ आई विल कंट्रोल माई सेल्फ फ्रॉम एक्सप्लेनिंग एक्चुअली वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम से इसको क्विज नहीं बनाऊंगी मैं द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज डायरेक्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन ए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन तो इसके लिए अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ा होता ना इट वॉज इनफ इसका सिंपल सा आंसर है देखो इसमें से कौन सा आर जो है आपकी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए नहीं रिक्वायर्ड सीधा क्वेश्चन है आपके लिए हाँ सीधी सी बात है इसका जो आंसर है आपका स्मॉल इंटरफेयरिंग आर आपका आर आर एन एम आर एन ए टी आर एन ए सारे ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं लेकिन एक नहीं करता है जो small interfering RNA जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आर एन ए है वो नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करता है दैट्स राइट right. ठीक है अच्छा चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं एक और आपका पूल है मैं आपको क्यों चाहती हूँ कि क्वेश्चन को आप रीड करो सो so दैट आज आपको क्वेश्चन आंसर देने के लिए नहीं पढ़ना है आज आपको क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ना है कि इस पूल में से रेपिटेडली क्वेश्चन जो है वो बार बार आते हैं प्लीज कीप इन माइंड

ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच इज ऑनली इंजाइम विच हैज द केपेबिलिटी टू कैटेलाइज इनिशिएशन elongation एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कौन सा ऐसा एंजाइम है सीधा क्वेश्चन है आपका यह भी सीधा क्वेश्चन है एक बड़ा सा सीधा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है हाँ। रबश, रबश, रबश. क्या लगता है आपको इनिशिएट भी करता है इलांगेट भी करता है टर्मिनेट भी करता है एक ही ऐसा इंजाइम है वो आई एम श्योर सब लोगों को पता होगा इसका तो बेटा वो इंजाइम है आपका डी डिपेंडेंट ठीक है ना पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं डीएनए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलीमर आर एन ए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सो लाइक दैट यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है एंड आई थिंक इफ यू लुक बैक इन योर एग्जाम्स तो आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन भी बहुत अलग अलग तरीके से पूछा गया है आपके पेपर में ठीक है तो ये अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग देख हिस्टोन पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं बिकॉज ये इंटीग्रेटेड टॉपिक है <coughs> ये आपका बायोमोलिक्यूल्स का भी पार्ट है क्या कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हिस्टोन के लिए जो है वो गलत है तो अगर आप देखें बेटा यहां पे सो आई वुड से हा डी इज एब्सोल्यूटली द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन बिकॉज पी एच ऑफ द हिस्टोन इज नॉट एसिडिक दे आर प्योरली बेसिक बिकॉज वो बेसिक अमीनो एसिड से बने होते हैं राइट सो दैट इज छठा क्वेश्चन है बेटा आपका सीधा सीधा क्वेश्चन है Uh, कोडोन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया तो आपने कोडोन्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है है ना? इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो क्या लगता है आपको कोडोन एयू जी जो है मिथिन फिनालिन के लिए कोड करता है ए एंड आग जो है वो आपके लाइसिन के लिए करता है क्या लगता है आपको दोनों स्टेटमेंट करेक्ट या दोनों कर गलत या एक गलत है एक सही है तो बेटा अगर आप ऊपर वाली स्टेटमेंट देखें तो ऊपर वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है एयूजी कोड फॉर मीथ्यूनिंग लेकिन वो फिनाइल के लिए जो है वो कोड नहीं करता स्टेट वन स्टेटमेंट वन इज इन करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू करेक्ट करेक्ट है ठीक है <coughs> तो ऐसे जैसे क्वेश्चन जो है देखो बेटा कि मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आई वुड से कि पढ़ने के लिए बहुत ऐसा लगता है कि वास्ट है लेकिन क्वेश्चन वहां से भी सीधे सीधे पूछे गए हैं देखो अगला क्वेश्चन है आपको सेंट्रल डॉगमा कंप्लीट करना है आपको बी और सी बताना है इट इज एज इजी आपको सेंट्रल डॉगमा के सिंपल सिंपल स्टेप्स पते होने चाहिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है फिर ट्रांसलेशन होती है फिर प्रोटीन बनता है एज सिंपल एज दैट ठीक है ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट कॉन्फिडेंट फील हो रहा है थोड़ा सा बताओ कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है होना चाहिए कॉन्फिडेंट फील बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेवल के आए हुए हैं सच्ची कोई बात नहीं अगर तुम ये चैप्टर नहीं पढ़ा है और तुम अभी भी देख रहे हो उसको तो मैं आपको बता दूंगी जब ये चैप्टर पढ़ोगे ना बेटा हम्म तो उसमें तुम देखना जब तुम उसको पढ़ के इसको सॉल्व करोगे ये सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन है सबसे ही ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन है जितना ईजी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है ये वो है हाँ तुम देखो तभी मैं तुम्हें कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर को जरूर पढ़ लिया करो इट गिव्स अ ग्लिम्स कि आप किस लेवल पे आपको जो है नीट में पूछा जाता है आप इतने हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो लेकिन आना वहीं से है ठीक है डन अच्छा तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है बेटा अगर हम लोग देखें तो करेक्ट स्टेटमेंट आपकी डी आर एन ए पॉलिमर इज ब्राइंड विद आर एच ओ फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया करेक्ट है

मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से जेनेटिक्स से कितना ही डर लगता है लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ठीक है ना अच्छी गुड न्यूज ये है कि इसमें से टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं इसमें से आपको उन्होंने ईजिएस्ट साइड पे रखा हुआ है अगर नौ क्वेश्चन दिए हैं ना तो एग्जामिनर के सर पर यह बोझ होता है कि आपको वो बोलेगा कि भाई देखिए ऐसा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें से कि नौ के नौ वो टफ नहीं डाल सकता कुछ क्वेश्चन उसमें ईजी होंगे कुछ क्वेश्चन उसमें मीडियम होंगे और कुछ डिफिकल्ट होंगे ये रूल है पेपर बनने का कोई भी पेपर बन रहा हो कभी भी ठीक है तो मान लीजिए नॉन्ग क्वेश्चन है उसमें खाली दो डिफिकल्ट आएंगे ईजी और मीडियम का रेशो सेम होता है लेकिन डिफिकल्ट का रेशो डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होते हैं उसका रेशो हमेशा कम होता है ठीक है ना ये मैं आपको इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप शॉर्टकट अपनाना शुरू कर दो इसलिए नहीं कह रही हूँ टू कम्फर्ट यूअर लिटल टू टेक यू इन कॉन्फिडेंस की देखो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस यहां से टफ पूछे जाएंगे जस्ट बिकॉज आपको ये चैप्टर अच्छा नहीं लगता है राइट right? डन हो गया बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स में से बेटा आपको पूछे गए हैं पांच क्वेश्चन है hmm? ना अच्छा मैंने पीडीएफ नहीं शेयर किया अच्छा मैं हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ शेयर कर दी थी ना ये शेयर नहीं हो रहा आई विल मेक श्योर sure, टेलीग्राम पे कि आपको ये शेयर होता रहे डोंट वरी यहां ठीक है तो बायोटेक्नोलॉजी अब मैंने क्वेश्चंस को मैं आपको वो नहीं बताऊंगी कि तुम आंसर दो मैं सिर्फ ये बताऊंगी बेटा कि देखें कि किस तरीके का क्वेश्चन आपको आया है ये जो आप इथिडियम ब्रोमाइड वाला क्वेश्चन देख रहे हो ना ये इतनी बार पूछा गया है ना पेपर में आई कांट इवन टेल यू दैट चाहे आपको डाई का नाम पूछ लेते हैं चाहे आपको विजिबल स्पेक्ट्रम पूछ लेते हैं चाहे आपको ये ऑरेंज कलर के बैंड्स के बारे में पूछ लेते हैं लेकिन सीधा क्वेश्चन आता है इस पर प्लीज मेक इट अ पॉइंट इस पे क्वेश्चन आपको आएगा वन नॉट दी अदर वे ठीक है जेल इलेक्ट्रोफोरिस पे द टॉपिक इज जेल इलेक्ट्रोफोरिस एग्जैक्टली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पीसीआर पे आपको क्वेश्चन जरूर आएगा कभी इसके सीक्वेंस पे होता है कभी इसके इंजाइन जैसे कि टैक पे क्वेश्चन होता है पीसीआर पे क्वेश्चन आपको जरूर आएगा तो पीसीआर को बेटा ध्यान से पढ़िएगा ठीक है तो पीसीआर पे क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ने हैं आप देख सकते हैं साथ साथ में देख लीजिए कि डी नेचुरेशन उन्होंने बोला है कि भाई इस पे आएगा ठीक है तो पीसीआर जरूर पढ़िए प्रिंसिपल्स में से नेक्स्ट है आपका आ, एडिशन ऑफ आप दे, स्पूलिंग जो है ना स्पूलिंग उस पर भी क्वेश्चन आता है वन और दी अदर वे तो उसका स्पूलिंग वाला पार्ट है कि चिल्ड इथेनॉल डाल के प्रेसिपिटेट होता है डीएनए और उसको निकाला जाता है उस पर भी आपके काफी क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो ये स्पूलिंग पे क्वेश्चन हो गया राइट right? ठीक है उसके बाद में पीबीआर 322 है ना पहली बार ही एमटीआर -E. तो इस पे भी आपका जो क्वेश्चन है भाई आना ही आना है तो सारे पीबीआर 322 में तुम देखो ओ क्या करता है आरओपी का क्या काम है Recognition sites especially जो उसकी साइट्स हैं स्पेशली जो उसके सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं एमपार और टेटार उसका क्या रोल है तो उसको तुमने खासा ध्यान रखना है राइट right? तो ये हुआ बेटा आपका बायोटेक्नोलॉजी का वाला पार्ट तो पांच क्वेश्चन जो है वो यहां से सॉल्व हो गए है ना सी इसका आंसर था भाई बी थोड़ी है इट विल नॉट बी एबल टू द ये मैंने आपको बहुत सारी आपको जो मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया था उसमें मैंने आपको समझाया हुआ ये ठीक है ऑप्शन देखने दू लो ऑप्शन देख लो तो एक्चुअली क्वेश्चन रिपीट है दैट इज वाई एम नॉट फोकसिंग दैट मच ऑन दिस बिकॉज हम लोग इस ब कर चुके हैं बहुत पहले काम एप्लीकेशन वाले पार्ट से सात क्वेश्चन आए हैं पिछले वाले से पांच आए हैं एप्लीकेशन में से सात अच्छा ठीक है मैं आंसर देना है तुम्हें ठीक है मुझे लगा तुम पहले दे चुके तुम बोर हो जाओगे इसलिए मैंने थोड़ा आगे जल्दी जल्दी कर दिया ठीक है चलो चलो हूँ बायोटेक्नोलॉजी so, एप्लीकेशंस वाले पार्ट पे आप देखो बेटा यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है म्यूटेशन पे म्यूटेशन पे जो है आपको सीधा क्वेश्चन पूछा गया है यहां तो दो इसका आंसर दो बिल्कुल hmm. म्यूटेशन भी नहीं कह सकते रेडियो एक्टिव से क्वेश्चन पूछा गया है द क्वेश्चन इज ऑन द रेडियो एक्टिव तो रेडियो एक्टिव प्रोब आपको पता है मार्केट में मिल जाते हैं बने बनाए तो उसको लेके तुम जज कर सकते हो कि भाई कौन सा जो डिजीज है इस पर्सन को हुआ है लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाती है इसमें तो क्या तो कर पाएगा वो कि नहीं कर पाएगा है ना एग्जैक्टली exactly ए जो है इसका करेक्ट आंसर है म्यूटेटेड जीन को वो नहीं देख पाएगा इस वजह से वो प्रोब है वो काम नहीं करेगा अगर इन केस ऑफ म्यूटेशन हो गया है तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका

श्रेया हम्म हम्म ए करेक्ट आंसर हुआ पक्की बात ए इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर सारा ए सी एंड डी बी को छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो करेक्ट है।, है ना बाकी बी जो है वो इनकरेक्ट है सी पेप्टाइड नहीं होता है उसमें बिकॉज सी पेप्टाइड जो है वो इनएक्टिव होता है ठीक है सो लाइक दैट सो तीसरा क्वेश्चन जो आपको आया है बेटा यहाँ पे वो आया है आपके टेक्निक्स पे डायग्नोस्टिक टेक्निक्स पे आया है जिसमें कि एलाइजा इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसपे आपको रिपीटेडली क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं एलाइजा टेक्निक पे आपको बहुत सारी बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आई वुड से वन थिंग हेयर आपको वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी पता होना चाहिए किसका कंफर्मेटरी टेस्ट है किसका कंफर्मेटरी टेस्ट है एलाइज इज द राइट आंसर वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसका जरा लिख के बताओ चैट बॉक्स में वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसका जो है वो यू नो कंफर्मेटरी टेस्ट है शाबाश एड्स का क्या बात है अनुष्का ने आंसर लिखा सबसे पहले यहां से बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड सौम्या वेरी गुड फॉर एड्स फॉर एड्स एड्स के लिए है ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है ठीक है स्किड सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम सिर स्किड पे आपको काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है तो स्किड का ही है चाहे कभी वो इससे नाम से आ जाएगा कभी जीन की डेफिशियंसी के नाम से आ जाएगा कभी ऐसे आ जाएगा कि रेट्रोवायरस जो है अफेक्ट करता है टी लिम्फोसाइट्स को कौन सी बीमारी होती है कभी ऐसे आ जाएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आता रहता है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ठीक है ना ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है डिसफंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम ठीक है डन हुआ ठीक है ना राइट वेरी गुड वेरी गुड इम्यून सिस्टम जो है वो डिसफंक्शन हो जाता है नेक्स्ट है आपका आ, ये आता है आपका कौन से कौन से एरिया से कौन से एरिया से आ रहा है जीन एम्प्लीफिकेशन ये आ गया आपका ट्री डिजीज इज नोन एज अगेन आपका एडीए

अगला पार्ट है बेटा आपका सातवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस द पीसीआर देखो पीसीआर पे भी रिपीटेड क्वेश्चन है पीसीआर से भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन आ गया देख लो देखो इसमें आपको क्या करना है सीक्वेंस बताना है आई थिंक ये सबसे ईजी क्वेश्चन है टू अटेम्प्ट नहीं क्या ठीक है तो डी नेचुरेशन होता है पहले फिर एक्सटेंशन होता है फिर अनिलिंग होता है राइट right? सो so, ये आपका पूल हो गया अगर आपको देखा जाए बेटा तो पीसीआर में से पीबीआर 322 ठीक है आपका स्किड आपका इंसुलिन सारा आप तो चैप्टर बोल दिया करें भी तो क्या यार बट यहां से कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं उसमें आपका बार बार पूछते हैं घुमा घुमा के पूछते हैं क्वेश्चन लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन बेटा चार जो हैं वो हैं वो इससे डायरेक्टली आए और बहुत ही आसान क्वेश्चन है देखना तो तुम सॉल्व कर दोगे सर्वाइवल तो सीधा क्वेश्चन है इस पर है ना बेटा हिंदी वीडियो में तो पढ़ा रहे हैं इसको मतलब वैसे, अच्छा वैसे हिंदी में लिखा हुआ वो तो डिफिकल्ट है, है? ये पढ़ा नहीं है काफ़ी दिनों से कोई नहीं चलो इस पे वन शॉट लेके आते हैं जल्दी तो इसको देखो यार यहाँ पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके इसको कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कोई कुछ नहीं लगेगा आपको खाली याद करना है इसमें याद करना बहुत आसान है मतलब जैसे बचपन में होते थे ना इन, आवर इन्वायरमेंट टाइप्स चैप्टर होते थे ये बिल्कुल वैसा चैप्टर है आप इसको एक दो तीन बार पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा अमेन्जलिज्म क्या है कोई होता है ना कि एक बेनिफिट हो रहा है एक को नेगेटिव बेनिफिट हो रहा है, तो प्लस माइनस ठीक है एक को बेनिफिट हो रहा है एक को कुछ नहीं हो रहा तो प्लस जीरो तो ऐसी ऐसी ही है तो अमेंजलिज्म अगर तुम देखो यार अमेंजलिजम में स्पीशीज ए को नेगेटिव इफेक्ट हो रहा था स्पीशीज बी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था ये बहुत ही सिंपल सिंपल बहुत ना एम श्योर अंबिका मैम भी आपको करवा रहे हैं ये तो इसको कुछ नहीं एक लेक्चर एक बार अटेंड कर लो इसका एक ही बार मैं तो कह रही हूँ काफ़ी है उसको रिवाइज कर लिया करो कभी वीक में एक बार उठा के देख लिया और यू आर वेरी गुड टू गो बहुत आसान चैप्टर है ये ठीक है तीन तीसरा है और बेटा ये जो है मैच द फॉलोइंग है सो मैच द फॉलोइंग में आपको यहाँ पे भी ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है अगर तुम देखो एलन रूल्स हो गया ठीक है ना ये पोलर सिल्क एंग्रू रेड डेजर्ट लिजर्ट ये बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन जो कि बार बार पूछते जाते हैं ठीक है थीके? तो शॉट हाँ वन शॉट हाँ, मैं लेके आऊंगी बिल्कुल लेके आऊंगी तो फर्स्ट इसका आंसर है बेटा डी नहीं है ए इसका आंसर है वो आप मैच कर कर लीजिएगा आसान है ये भी बहुत आसान है मैंने बोला ना छोटे जब होते थे तुम तो आर एनवायरमेंट वाली वो बुक पढ़ते थे ना और जो करते थे तो बिल्कुल वैसा ही है ये ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है ना ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है है ना ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है इस इसपे काफी बार आपको जो है वो क्वेश्चन आए हुए हैं सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो थ्रू दिस इक्वेशन एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली छोटी सी क्वेश्चन है इस इस पे जो है आपको क्वेश्चन है इसको समझना है कि इसमें क्या दिया हुआ है ठीक है ए इज करेक्ट आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम्स करेक्ट अच्छा सो so, ये थे चार क्वेश्चंस यार एंड आई होप आई होप यू हैड हैर्न वेल तो ये चार चैप्टर्स हैं मैं फिर से बता देती हूँ यार टू सम अप पहला आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जिससे नौ क्वेश्चन आते थे आए हैं बायो टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पांच क्वेश्चन एप्लीकेशन सात क्वेश्चन बायो टेक्नोलॉजी यूनिट में से आपको सीधे सीधे बारह क्वेश्चन आ गए हैं एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्मीधा चार क्वेश्चन इफ आई कंसिडर की अगर चौबीस पच्चीस क्वेश्चन में से पच्चीस ना भी आए तो मैं कहती हूँ कि पंद्रह तो आपको आएंगे ही और डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आएंगे Please don't confuse with that. From that particular pool, जो है आपको उसमें से क्वेश्चन आएंगे थैंक यू वेरी मच बेटा सो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका बिकॉज ये ही मुझे आपको बताना था तो आई सीरियस सौ मार्क्स का इन्हीं चारों चैप्टर्स में से आ गया था तो so, देख लो यार तुम्हारे तो कमाल कर सकते हो है ना क्यों नहीं कर सकते हो तो बेटा सचिन सर का बैच शुरू हो जाने जा रहा है मार्च से सो so, सिर्फ 899 में अवेलेबल है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जितने भी आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं ना फिजिक्स में सो so, सर हैज सर इज ब्रिंगिंग टॉपिक्स टू दिस माइक्रो कोर्स ज्वाइन दैट डोंट डिले ट्वेंटी फर्स्ट मार्च इज द डेट ठीक है बेटा और टर्म टू के क्रैश कोर्स के बारे में आपको बता लिया आज रात मिडनाइट 12 बजे को ये डेट जो है ये जो है डील फिनिश हो जाएगी सो वन थाउजेंड में कोर्स आपको मिल रहा है उसके बाद ये का हो जाएगा कल से ठीक है लेना और आपने मुझे बता दिया कि मैम आपकी पीडीएफ शेयर नहीं हो रहे हैं आई विल टेक दिन टू कंसिडरेशन एंड आई डेफिनेटली शेयर दोस्त थैंक यू सो मच गाय थैंक यू सो मच बाय बायो होमवर्क होमवर्क क्या देंगे आज आज चलो होमवर्क देते हैं ये जो चार चैप्टर्स हैं ना इनके मैंने 2021 के आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए ठीक है ना आप जाओ और 2020 में फाइंड आउट करो कि इन चार चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस आए थे आपका यही होमवर्क है आज एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट कि इन चार चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चन आए थे मुझे टोटल नंबर बता देना ठीक है मेरा भी फायदा हो जाएगा ठीक है डन 2020 में इन चार चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चन आए थे 2021 में तो मैंने आपको बता दिया 25 क्वेश्चन आए थे 2020 में ओका चलो ठीक है बाय चलो बाय